हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ में हैं विनोद जी और इनका भी सिलेक्शन हुआ है एयरफोर्स में। विनोद जी हमारे यहाँ कोचिंग आते थे ऑफलाइन, उसके बाद में इन्होंने ऑनलाइन भी काफ़ी टाइम पढ़ा। कितना टाइम पढ़ा? सर 3-4 महीने तक। अच्छा, सर उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा, आज इनका जो है एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है। तो ये आपको कुछ टिप्स वगैरह भी देंगे कि किन किन चीज़ों से हेल्प मिली। तो विनोद जी ज़रा थोड़ा सा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको भी बताओ, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। yes, और हम चाहते हैं कि सबका सिलेक्शन हो। तो आप सफल हुए हैं, इनको भी पता चले कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपकी इसमें इंग्लिश कितने नंबर की आई थी? क्योंकि मैं इंग्लिश चूँकि पढ़ाता हूँ तो पहले मैं पूछूँगा सर। सर 20 नंबर की इंग्लिश है, इसमें 30 नंबर का GK GS और साइंस है, 50 नंबर का पेपर था। इंग्लिश में तो आप शुरू से, आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी। नहीं सर, शुरू से इंग्लिश मेरी जीरो थी। जीरो थी इंग्लिश? बस सुधरी क्या सर, मैं शुरू से सोच रहा था कि अच्छी कोचिंग करवाएंगे, दोस्त से बात हुई, जैसे 12th पास आउट हुए सोचा था कि इंदौर चले या कोटा चले, तो बात हुई कि वहाँ इंदौर पढ़ लेंगे, लेवल अच्छा है वहाँ, अच्छा पढ़ेंगे, घर से बाहर रहेंगे तो पढ़ लेंगे। फिर सोचा कि नहीं, इंग्लिश की कोचिंग मंदसौर में अच्छी है, तो उस हिसाब से कौन सी लेयर 3 के बारे में सुना था सर। अच्छा, सोचा वहाँ लेयर 3 भी पढ़ लेंगे। तो लेयर 3 पर आए, 1-2 दिन डेमो क्लास ली, उसके बाद पता चला ठीक है अच्छा पढ़ाते हैं सर, पर हमें तो कुछ नॉलेज नहीं था। शाम जी मुझे आओगे सर पढ़ाते हैं। अरे ये तो बोलो सीरियस कुछ नहीं। हाँ सर, ऐसे ही मैं समझ रहा हूँ, टेंशन होते सब अपने वाले। हाँ सर, अपने सब देसी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर पढ़ाते थे सर, पता चला कि गांव में तो क्या पढ़ा था 12th तक कि जी वंडर ऑफ साइंस पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, उसके बाद 12th पास आउट हुई। आगे पता चला कॉम्पिटिशन में तो क्या है, ग्रामर है वो है, तो हमें ABCD का ये भी नहीं आता था। तो बाद में सर से पढ़ा थोड़ा, 5-7 दिन 10 दिन कोचिंग गए, तो उसके बाद पता चला कि असली तो इंग्लिश यह है। तो मैंने बहुत सी एग्ज़ाम दी, SSC दी है, कॉन्स्टेबल तो नहीं दी मैंने, और बहुत सी SSC MTS से लेकर सारी बहुत सी। इंग्लिश में कितना नंबर आए? इंग्लिश में अभी जो इंडियन एयरफोर्स की थी इसमें 20 में से 15 नंबर स्कोर किए मैंने, और टोटल 32 नंबर स्कोर किए। सिलेक्शन प्रोसेस 25+ थी, पर मेरे 32 मार्क्स थे उसमें, मैं सिलेक्ट हुआ। उसके सिलेक्शन होने के बाद में एक ग्रुप डिस्कशन होता है इंग्लिश में, जो इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर रैंक का कोई लेता है, मतलब आइस लेवल का होता है वो लेता है। उसमें प्योर इंग्लिश में वो इंटरव्यू टाइप होता है, लगातार 3-4 मिनट तक उसको मतलब लगता है कि हाँ बंदा परफेक्ट है इंग्लिश में, तब तक वो सिलेक्ट नहीं आपको नहीं करेगा। लगातार 3 राउंड होते हैं, 10 बंदों का ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें। अच्छा, मैं एक और चीज़ में पूछना चाहता हूँ, जैसे इंग्लिश में कम नंबर आते हैं मान लो सर, तो भी हो जाता है? नो, नहीं होता सर। उसमें क्राइटेरिया यही है कि आपको इंग्लिश में 10+ स्कोर करना है तो ही आप सिलेक्ट होगे, वरना आप फेल हो जाओगे। वो तो ठीक है, वो मतलब प्रोसेस तो है, इंग्लिश में पास होने के बाद भी आपको GD क्लियर करना है इंग्लिश का, अगर उसमें आप फेल हुए तो भी आप फेल हो, ये सबसे बड़ा है। और उसके बाद में ये है कि इस सिलेक्शन के बाद भी ट्रेनिंग की प्रोसेस ऐसी है कि वहाँ भी इंग्लिश में पूरा सिलेबस है, अगर उसमें आप फेल हुए, वहाँ एग्ज़ाम होता है उसमें आप फेल हुए तो वहाँ से भी आपको बाहर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी अभी लग गई ज्वाइनिंग होगी तो उसके बाद भी आपको घर भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी तो करते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं उनके पास, जैसे GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इस प्रकार से। तो जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश के बारे में आपको ऐसा बता दिया जाएगा कि इंग्लिश तो हाँ ठीक है कर लेना और हो जाएगी। तो इंग्लिश एक सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिलेक्शन आपका करवाना है, ठीक है। जैसे आज मैं आप मेरे पास आए, मैं बोल दूँ कि हाँ ठीक है मैथ्स तो हो जाएगी, हो नहीं जाएगी, आपको वास्तव में उस चीज़ को देखना है कि कैसी आती है और मुझे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन आपका करवाना है, है ना। बहुत सारे एयरफोर्स वाले मेरे पास आए थे कोचिंग वाले, यस सर, कोचिंग करने के लिए। वो 2-4 दिन आते हैं, फिर जो है उनको कहीं ना कहीं सबसे पहले इंग्लिश का डर सबको होता है, तो उनके साथ भी होता है, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन पढ़े चले गए, अगर 1-2 महीना रुक जाते तो आराम से मैं इस लेवल से पढ़ाता हूँ कि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है। एक बात और सर, सर जितने मेरे दोस्त थे सिलेक्ट हुए, मतलब हम 9 या 10 लड़के हैं इस एरिए से, अपने मंदसौर जिले के आसपास के, सारे बंदों से बात हुई तो सारे, कोई नवोदय का है, कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, सारे कोई इसमें NDA सिलेक्टेड है, कोई स्क्रीन आउट हुआ है, कोई पहले दिन सिलेक्ट नहीं हुआ है, ऐसे सारे बंदे हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं। मेरे साथ सिलेक्टेड है 9 बंदे, पर मैं एकमात्र ऐसा बंदा हूँ जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और केवल यहाँ मंदसौर में तैयारी की, और मंदसौर में तैयारी करके एक दोस्त है और जो सिलेक्ट हुआ है वो बोले उसने घर पे की कहीं पे भी की, 2 या 3 होंगे 9 में से। बट बहुत से बंदे वहाँ 450 में, बहुत से ऐसे हैं
जो बहुत हाई लेवल के हैं उनके सामने मेरा कुछ भी नहीं है। मैं केवल हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ जो ये वाई ग्रुप मैंने निकाली है, और वो सर ने गाइड किया है, सर के मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ हूँ, वरना मैं भी कहीं घर होता और कहीं और होते से कुछ ना कुछ काम करता। और मेरा सिलेक्शन का सबसे बड़ा सर की देन है जो मैं आज इस जॉब में सिलेक्ट हुआ हूँ, और कुछ नहीं है। अभी सैलरी कितनी मिल रही है? 40,000 मिल रही है। चेहरे मुस्कान देखिए 40 के बाद। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं पैसे क्या करोगे, इतना पैसा कमाएंगे। अरे जीवन में आए हैं तो पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर लोग इज्जत कैसे करेंगे? पैसे से करेंगे या पैसा तो कमाना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, भले वो पैसा आप जो है वो घर वालों की खुशियों पे लगाओ। एक बात और सर, मैं सर बहुत सी कोचिंग पे गया हूँ, ऐसा नहीं कि सर के यहाँ और कोचिंग पे मैं पढ़ा हूँ, 2-3 कोचिंग मंदसौर में पढ़ा हूँ, 3-4 कोचिंग में पढ़ा हूँ। पर एक छोटी सी बात यह है कि इंग्लिश का जो है मेरा टैलेंट, इंग्लिश सिलेक्शन प्रोसेस इंग्लिश की है, इंग्लिश की देन सर की है। और भले दूसरी मैंने सेल्फ मेहनत की, ऑनलाइन पढ़ा हूँ, दूसरी कोचिंग में पढ़ा हूँ मंदसौर में भी, और भले कैसे नोट्स से पढ़ा हूँ, दोस्तों से मार्गदर्शन से पढ़ा हूँ, पर इंग्लिश की देन सर की है। इसके अलावा और इंग्लिश में कहीं नहीं पढ़ा सर के अलावा। इंग्लिश समझ में? बहुत समझ में, तभी यहाँ आऊँ। और जब कोचिंग आए थे तो उसके बाद में जैसे 2-4 दिन पढ़े तो कुछ फर्क लगा? बहुत फर्क लगा सर। सर ऐसा पढ़ाते हैं जैसे गांव के लेवल से, कोई ऐसा नहीं इंदौर की कोटा की मंसूर बड़े लेवल की कोचिंग नहीं है, ये मतलब घर की कोचिंग ही ऐसा समझो कि जैसे कोई अपने वाला पढ़ा रहा है। शुद्ध हिंदी पढ़ाते हैं सर गाँव वाली भाषा में। क्या होता है कि जैसे बच्चा इंग्लिश पढ़ने आता है, अब वो इंग्लिश पढ़ने आया तो वो इस उम्मीद के साथ आता है कि मैं कुछ सीखूं, मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे मैंने मैं स्टेज पे गया और जाके मैंने हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू माय नेम इज श्याम जावेद एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश, हम ये आती तो फिर हम घर पे ही कर लेते, मतलब इतनी आती थी यहाँ क्यों आती थी। तो जैसे ही बच्चा आता है तो पहले मैं उसको उसके लेवल से उठाता हूँ, और वो ज़रूरी भी होता है। तो जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ से जुड़ना चाहिए, तब जाके उसको लगेगा हाँ यार ये अपना आदमी है, मतलब है यार ये अपने वाला ही है, तो पढ़ने का भी एक मज़ा आता है। तो उस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ा स्टूडेंट्स के ऊपर, बहुत सारी इस वजह से उसका। हमें तो मैं बता रहा हूँ कि हमें तो टेंस का टी नहीं आता था, ग्रामर की स्पेलिंग हम ए नहीं ई लिखते थे, ग्रामर का ए सर ने सिखाया कि ग्रामर ये होता है, तो हमें तो बस कुछ नहीं आता था, हम तो जीरो थे, बेस्ट थे। एक और चीज़ है, आप हिंदी मीडियम से हैं, आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, तो भी आपके 30 नंबर का अगर पेपर है तो 25 प्लस नंबर अपन दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इससे तो फर्क नहीं पड़ता है कौन से स्कूल में पढ़े आप, अभी एक आप अभी बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूलों में, आप उनसे ग्रामर की स्पेलिंग एक बार पूछना तो गलत बताएंगे, स्टेशनरी पूछना वो गलत बताएंगे, बस वो नाम जरूर है कि मीडियम इंग्लिश है, लेकिन उठाना तो सबको बेसिक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप आगे बढ़िए और जरूर आप सिलेक्ट होंगे। बहुत मेरे पास भले पहले का नॉलेज हो, मैं कहीं से पढ़ा हूँ, दूसरी कोचिंग से पढ़ा हूँ, अगर इंग्लिश में मेरे 11 नंबर पे सिलेक्शन था, अगर 10 से मेरे 9 नंबर भी आते हैं तो मेरी जॉब नहीं लगती। और सिलेक्शन का सारी कुछ देन सर की, क्योंकि अगर 11 नंबर भी आते तो मैं सिलेक्ट था, अगर 9 नंबर आ जाते तो मैं फेल हो जाता। पर इंग्लिश का बेस मेरा बिल्कुल जीरो था, जो सर ने पढ़ा के और इनके मार्गदर्शन, जो ऑनलाइन क्लासें ली भले ऑफलाइन ली, पैसे के लिए भी सर ने कभी परेशान नहीं किया जीवन में आज दिन तक, और कभी पैसे नहीं मांगे, भले कोचिंग आते रहो तुम ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज भी सिलेक्ट हुआ, हाँ बाकी ये देना है सबसे बड़ी दिक्कत की बात, लड़के क्या है कोचिंग बंद हो जाते हैं, पैसे की दिक्कत, क्योंकि समस्या रहती है वैसे ऐसे चक्कर है कि ठीक है वैसे ही स्टूडेंट दे देते हैं सामने से, ऐसे कोई किसी ने रखे नहीं है, अपने अपन हिसाब कर लेंगे। चलो बहुत अच्छा लगा, ऐसे जब सिलेक्शन होता है तो हमको भी अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप आगे बढ़े, और वो जिनका होता है वो भी आया करें, मतलब मिलने से जैसे ही आए। हाँ, और आप में से भी अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो वो बिल्कुल यहाँ पर आए, है ना, और बताएं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाकी उनको भी पता चले कि कैसे क्या है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज एग्जाम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, मतलब ये प्रतियोगी परीक्षा जो होती है इस पे कम ध्यान देते हैं, और कॉलेज वाले पे 100% बनाना है पूरा बनाना, तो उससे फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज की मार्कशीट कोई काम नहीं करती सर, बट अगर काम तो करती है, बट अपने को ध्यान ज्यादा उस पर देने के लिए कोई काम की नहीं ना। अब तो मैं 12th प्लस मैंने ये वैकेंसी निकाली है, तो मैं कॉलेज को क्या करूँ, मैं आज बीए फाइनल ईयर है मेरा, थर्ड ईयर में पास आउट 51% है, अब कॉलेज के एग्जाम से क्या मतलब, मैं 12th पास आउट हूँ, आज मेरी सैलरी आ रही है, मेरी जो तो क्या करूँ, पॉइंट शुड बी नोटेड, उसमें गोल्ड मेडल लाना है हमको, फिर उसके बाद MSc करना है, अब उसके बाद में फिर आगे क्या, आगे कुछ नहीं, आपने अपना पूरा टाइम जो था वो उधर दे दिया,
आपको ध्यान देना चाहिए समय से। वेल आप जैसे क्लियर होते हैं उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा में जो भी आपका सपना है उस पर आप ध्यान। एक बात और ध्यान देना सर, जो ये ऑफलाइन एग्जाम थी मैंने इंडियन एयरफोर्स की, इससे पहले मैंने ऑनलाइन एग्जाम मेरी स्टार एग्जाम जो होती है वाई ग्रुप की एस ग्रुप की, उसमें क्या हुआ कि मतलब माइनस मार्किंग थी। पहली बार मैं देने गया तो मैं पता नहीं था माइनस मार्किंग, मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें क्या मेरे इंग्लिश में और इसमें माइनस में नंबर आए थे। उससे मैं हताश नहीं हुआ पर दोस्त हंसे, उनके सामने रिजल्ट ओपन हुआ तो कि ये तेरी क्या है, ये माइनस में नंबर आ रहे तेरी कौन सी जॉब लग गई। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, माइनस में आए तो क्या है, पढ़ाई तो करना है। बट मैं कभी ज़िंदगी में डिमोटिवेट नहीं हुआ, ना कभी मैंने किसी चीज़ की टेंशन ली, मैं पढ़ता रहा अच्छे से। और मैंने अपनी तैयारी किसी को शो नहीं किया, बताया नहीं कि मैं तैयारी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बट मैंने इंग्लिश में सर से पढ़ा और वो ये वाली ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई उसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और ये आप भी आते थे? बिल्कुल सब आते थे साथ में। अपने भी अभी जॉब बैंक में चल रही है, बैंक में चल रही है। अपना कहीं चल रही है? आईसीआईसीआई बहुत बढ़िया। देखिए कुछ तो आप कर ही लेंगे जीवन में अगर आप पढ़ेंगे तो। ऐसा सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ना, आपको पड़ेगा। बैठे बैठे तो कुछ नहीं करोगे, सोए सोए आप, पढ़ना तो आपको जरूर पड़ेगा। भले आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, घर पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। और पढ़ना किस तरीके से वो आपको चुनना पड़ेगा, कैसे मेरे को पढ़ना, दिन में पढ़ना, रात में पढ़ना, एक घंटा पढ़ना, 10 मिनट पढ़ना। किसी की कैपेसिटी इतनी है कि वो एक घंटे में कवर कर लेता है, किसी की कैपेसिटी को 10 घंटे में नहीं कर पाता। तो वो आपको तय करना है कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से पढ़ना है और सिलेक्ट होना है। अच्छा लगा। ओके गाइस थैंक यू, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू सो मच।